नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। और दोस्तों, आरोग्य में हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, जो हमें स्वस्थ और सही तरीके से जीने का तरीका बताता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, हम एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या है आज खास हमारी रिपोर्ट में। आज जीवन शैली की वजह से महिलाओं के बीच यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आम रोग बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा और सामान्य कारण है अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल करना। यह रोग हालांकि बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह किडनी तक को प्रभावित कर सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से अधिक प्रभावित होती हैं। खास तौर पर युवा महिलाओं में यूटीआई की शिकायत बहुत आम है। यह रोग किडनी पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन होता है और समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग ना करें। टॉयलेट आने पर उसे अधिक समय तक नहीं रोकना चाहिए। विटामिन सी युक्त आहार को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में 45 की उम्र के बाद यह परेशानी शुरू होती है। वैजी, आज हमने हमारी खास रिपोर्ट में यूटीआई के बारे में बताया। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि यूटीआई है क्या, आप हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऋचा जी, यूटीआई यानी के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हिंदी में इसको कहेंगे पेशाब में संक्रमण। और अक्सर बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उनको ये दिक्कत तेजी से सताती है। या बहुत से लोग पेशाब का वेग रोकते हैं। हमारे लिए कुछ वेग हैं जिनको रोकना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं अधारणीय वेग। लैटिन आ रही है, नहीं कर पा रहे। पेशाब आ रहा है, नहीं कर पा रहे। छींक आ रही है, रोक लेते हैं। आंसू आ रहे हैं, रोक लेते हैं। जिमाही आ रही है, रोक लेते हैं। भूख लग रही है, नहीं खा पाते। ये अधारणीय वेग हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। और कभी कभी पेशाब बहुत ज़्यादा रोकने से तब भी दिक्कत होती है। किसी गलत जगह पेशाब हम करें, खासतौर से पब्लिक टॉयलेट में, इस तरह की दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और लेडीज़ के साथ ये खासतौर से दिक्कत होती है, तो हमारे पेशाब में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि 50 के बाद आम इंडियंस के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने से हमारे पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती। जो पेशाब अंदर रुक जाता है वह इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन पैदा होने से पेशाब में बहुत तेज़ी से जलन होती है, और कई बार बुखार आ जाता है, जाड़ा लगता है बहुत तेज़ी से। और बुखार तब तक नहीं ठीक होता जब तक कि हमारा पेशाब का इन्फेक्शन ठीक ना हो। बुखार वैसे तो बेसिकली कोई विशेष बीमारी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमारा प्रतिरोधक तंत्र उससे लड़ाई की कोशिश करता है। इस लड़ाई में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं बुखार। आपने देखा होगा, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोई सा भी बुखार हो, विषम ज्वर हो, उसमें हमको इन्फेक्शन होने के बाद बुखार, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमको इस बीमारी से बचने के लिए कम से कम प्रतिदिन 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और अक्सर लेडीज़ को दिक्कत इसलिए हो पाती है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट है, गंदगी रही। नंबर दो, सफाई का ध्यान जो महिलाएँ नहीं दे पाती, अक्सर उनको ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। तो इस तरह की चीज़ों से हमको बचना चाहिए। कई बार पथरी हो जाती है किडनी के अंदर, वह इन्फेक्शन पैदा कर दे, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जी ब्रजेश जी बोल रही हूं। कहां से बोल रहे हैं आप? सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? बीमारी के बारे में, थायराइड के बारे में, कॉलेस्ट्रॉल के बारे में। जी थायराइड बहन जी, आपका कौन सा और कितना है? ये तो पता नहीं है, काफी बढ़ा हुआ है। आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है? मेरा वजन 70 है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 40, 42।
ठीक, आपके पीरियड्स कैसे हैं जी? आपके मासिक कैसे हैं? ठीक ठाक से ही है। अच्छा, शरीर में कहीं सूजन तो नहीं होती? हाँ जी, पैरों का सूजन है। और घबराहट? घबराहट भी है, पैरों का सूजन भी है और हाथों पे भी आ जा। अच्छा, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं? हाँ जी। ठीक, और कोई दिक्कत तो है ही नहीं। क्या चीज? और कोई दिक्कत परेशानी? बस यही है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, गर्दन में भी दर्द है पीछे, सर्वाइकल कर माइग्रेन का भी दर्द है सिर में। ठीक बहन जी, थायराइड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। थायराइड जब तक कंट्रोल नहीं होता जब तक ये दिक्कतें आती हैं। हाइपो और हाइपर, हाइपो में वजन बढ़ने लगता है, हाइपर में वजन घटने लगता है। आप अपना थायराइड नियमित रूप से जांच कराते रहें और मुझे लगता है जैसे आपने वजन बताया 70 किलो, आपका TSH लेवल बढ़ा होगा और इसके कारण कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि बाल का बहुत ज़्यादा टूटना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, पल्पिटेशन होना, शरीर में सूजन होना, कंसीव ना होना, कंसीव हुआ तो मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं, मिसकैरेज ना हुआ तो बच्चे के विकलांग होने के चांस रहते हैं, और साथ में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस करना, किसी काम में मन ना लगना, और हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होना, भूख बहुत बढ़ जाना और वजन अनियंत्रित होना। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि गंडमाला कंडन रस और कांचनार गुगुल और साथ में आरोग्य वर्धनी, इन तीनों की दो दो गोली दिन में दो बार सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। और जैसे आपने बताया कि आपके शरीर में सूजन है, ये थायराइड का साइड इफेक्ट है, थायराइड धीरे धीरे कम होगा तो सूजन भी कम होगी। आपको सर्वाइकल और माइग्रेन है, उसके लिए आप दो दो गोली मनोहर बूंद रामफल वटी और साथ में दो दो गोली आप पंचामृत लोह मंडूर, और वजन जैसे आपका थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोह रसायन, इन तीनों की दो दो गोली दिन में दो बार भोजन के बाद पानी के साथ सेवन करें। और माइग्रेन अक्सर सिर का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसके लिए आप बाजार से मार्केट से ले लें किसी अच्छी फार्मेसी की गोदंती भस्म। आप 1 ग्राम गोदंती भस्म, उसके अंदर 2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 गोली शीर्षलादि वज्र, इसको पीस करके प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले घृत और मिश्री के साथ सेवन करें। बहुत से लोगों को घृत खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप शहद से या इसको गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपका निश्चित रूप से माइग्रेन ठीक हो जाएगा और सर्वाइकल में भी आपको लाभ मिलेगा। जिस चीज़ के सेवन से हमारा गला खराब होने के चांस हो उससे बचना चाहिए, जैसे कि दही, खटाई, अचार आप इत्यादि बिल्कुल ना लें। और साथ में धनिया, यदि धनिया को रात को 1 चम्मच भिगो के आप रख दें और प्रातःकाल उसको पानी सहित ले लें, आपको थायराइड में भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप ये प्रयोग करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बीमारी आप इससे निजात पा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी जानकारी देने के लिए। और आपको पता है कि आपके ही कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे हमारी टीम जाकर बात करती है। आइए देखते हैं कौन आया इस बार कैमरा के सामने। जी, मेरा नाम मीना है, मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत सालों से 12 साल से गठिया की बीमारी है। पहले मैंने एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, थोड़े टाइम ठीक हुआ, फिर हो जाता था। फिर मेरे को किसी ने वैद्य जी के बारे में बताया कि आप इनसे लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। फिर मेरे को 2 महीने हो गए दवाई लेते हुए, मैंने इनसे ली, मैं काफ़ी ठीक हूँ। अभी थोड़ा समय और दवाई चलेगी, वैद्य जी का थैंक्स। वृंदावन से मीना जी, इनको 12 सालों से गठिया की प्रॉब्लम थी। कितनी बार इन्होंने एलोपैथी ली, कितनी बार इन्होंने होम्योपैथी ट्राई की, बट कभी इनको एक सेटिस्फाइड जो सोल्यूशन होता उसका नहीं मिल पाया, जो आपसे मिला। ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया आपने इनको, ऐसा क्या इनको आयुर्वेद से ट्रीटमेंट मिला कि आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं? ऋचा जी, अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि किसी को ये बीमारी है तो आप इसका ट्रीटमेंट कर दें, दवाई शुरू करें, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि जिन कारणों से हमारी बीमारी बन रही है
हमको उन कारणों से बचना चाहिए। खास तौर से दही है, खटाई है, कुछ दालें जैसे अरहर की दाल है, राजमा है, छोले हैं, हमको इस तरह के पदार्थ से, भोजन से बचना चाहिए। इस तरह की बीमारी में खटाई बहुत नुकसान करती है और साथ में कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगे तो उसका पाचक रस भी दूषित हो जाता है। वह ब्लड के साथ मिलकर अक्सर जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर इस तरह की बीमारियां बनाता है। और हम अपनी फार्मेसी में मुख्यतः मैं 3 दवाई के लिए बारे में कहता हूं, जो कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, सब में अपना चमत्कार दिखाती है। एक मनोहर गूंद रामफलवटी, कुंदरू गोंद, कुचला शुद्ध कपिलू कहते हैं, और हरित की, इसके अंदर पड़ते हैं हार सिंगार के पत्तों का रस। हार सिंगार सियाटिका में बहुत अच्छा काम करती है और साथ ही साथ जिनको मलेरिया हो या टाइफाइड हो उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। और दर्द के लिए तो बहुत अमृत तुल्य है, इसका रस यदि पड़ा है तो बहुत अच्छा कार्य करती है। साथ में दशमूल घनवटी, शालपर्णी, पशपर्णी, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, गोकरू, बेल, पांडल, गंबारी, इन सब चीज़ों का हमने लिया घनसत्व, इनको पकाकर छान करके इनका घनसत्व बनाया। और तीसरा शिलाजीत वटी, मैंने इनको शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूल घनवटी तीनों की 2-2 गोली 2 बार नियमित रूप से सेवन कराई। और साथ में वृहत वात चिंतामणि आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध दवा है, जिनका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो या डिप्रेशन में हो या उनका स्नायु मंडल बिल्कुल बेकार हो रहा हो, उनकी मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता हो या अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा क्लिक करती हो, उनको मैं अक्सर ये दवाई देता हूँ। इसका मुख्य घटक स्वर्ण है, यदि स्वर्ण उसमें पूरी मात्रा में है तो निश्चित रूप से असर दिखाती है। इनको वर्धवा चिंतामणि, समीर पन्नक, एकांगवीर और प्रवाल पिष्टि मिलाकर मैंने सेवन कराई। दशमूल घन, शिलाजीत वटी, रामफल वटी, द्वय गोली 2 बार, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार। उष्ण नीर संग सेवन से मिटे समस्त वात विकार, यानी के 2-2 गोली हम नियमित रूप से सेवन कराएं तो निश्चित रूप से हमारे किसी भी प्रकार के वात विकार नष्ट होते हैं। और साथ में कुछ प्रसिद्ध क्वात हैं, जैसे कि रासना सप्तक क्वात और पुनर्नवादी क्वात, दोनों की 1.5 चम्मच एक गिलास पानी में पकाकर छान कर इसमें 20 बूंद महानारायण तेल की मिलाकर सेवन कराई, इनका वात शमन हुआ। पुनर्नवा क्वात के अंदर और रासना सप्तक क्वात के अंदर कुटकी और अरंड और साथ में अमलतास है, ये पेट भी साफ करता है। मैंने इनको ये दवाई दी और धीरे धीरे इनका वात शमन हुआ, घुटनों में जो दिक्कत थी उसमें इनको बहुत लाभ मिला और भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो दोस्तों, वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए या फिर किसी भी तरह की औषधि ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना मत भूलिएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर, और इसकी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, तो इन्हें अभी सेव कीजिए और हमें अभी फॉलो कीजिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।